गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सेंटेंस, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कराने से पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज बताना चाह रहा हूँ कि ये सेंटेंस क्या है, कैसे बना है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के साथ साथ एक नाउन है। या इंग्लिश किससे बना है, इंग्लिश बना है अल्फ़ाबेट लेटर से बना है। किससे बना है भाई, अल्फ़ाबेट लेटर से बना है। एक से अधिक अल्फ़ाबेट लेटर्स आते हैं, एक से अधिक अल्फ़ाबेट लेटर आते हैं, उनसे बनता है वर्ड्स। क्या बनता है, वर्ड। जैसे कि गो, जैसे कि कम, जैसे कि सत्य, इस प्रकार से एक से अधिक अल्फ़ाबेट लेटर्स आ जाते हैं, उनसे बनता है वर्ड। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह केवल ये एक अकेला सेंटेंस है जो बहुत चैप्टरों में आता है, यहाँ तक कि एक्टिवर्ड्स में भी आता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसका बहुत रोल होता है, क्लॉज में भी बहुत रोल होता है। देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस या ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस रखे इज कॉल्ड सेंटेंस कहलाता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। एक सेंटेंस वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कंप्लीट सेंस होता है, वो सेंटेंस कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन ये है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग वर्डों को रखा जाए, एंड विच हैज़ कंप्लीट सेंस एंड विच हैज़ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस रखता है, जिसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती है, वह क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर एंड डू नॉट हैव एनी मिस्टेक ऑफ ग्रामर विच हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस के हम जिस प्रकार से कह सकते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस रखे और ग्रामर के रूल का फॉलो करे, कोई मिस्टेक ना हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें वर्ड्स है, फुटबॉल भी वर्ड है, प्लेइंग भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है। इन वर्डों को हमने ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग सेट किया है, रखा है, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, और ये सभी टेंस का फॉलो कर रहे हैं। टेंस में भी इसका सेंटेंस का टेंस में भी बड़ा रोल होता है, एक्टिव पैसिव में भी बहुत रोल होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बहुत रोल होता है, क्लॉज में भी बहुत रोल होता है। तो कुल मिला के जो सेंटेंस है, जो टोटली ग्रामर है, वो वर्ड पे बेस होती है। और वर्ड कहाँ पे आता है, सेंटेंस में वर्ड आता है। तो एक जो ग्रामर पढ़ाई जाती है, जो कंप्लीट वर्ड बेस होती है, जैसे कि why are you laughing here, तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस में हम बहुत प्रकार से काइंड्स ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस फाइव प्रकार का होता है। पहला होता है एसर्टिव या डिक्लेरेटिव। एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है जिसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक कहते हैं, स्वीकारात्मक सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं।
सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस और फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी का होता है विस्मयादि बोधक या वाचक वाक्य। और वैसे एक सेंटेंस फोर टाइप के होते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग इन सेंटेंस को फिफ्थ वाला कर लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वैसे सेंटेंस फोर टाइप के ही होते हैं, लेकिन हम ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस रखे, वही सेंटेंस होता है। या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड सेंटेंस एंड डू नॉट हैव एनी मिस्टेक ऑफ ग्रामर एंड पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर, जिसमें सेंटेंस एक स्टेटमेंट भी होता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं सोचता हूँ आपको सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको पता है कि पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड टाइप का सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसको हम आज्ञार्थक कहते हैं। इन सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, टेंस में, एक्टिव पैसिव में, क्लॉज में, हर जगह इनका यूज होता है। इनका बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ये ग्रामर का पहला चैप्टर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला सेंटेंस मैंने बताया एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि टू टाइप का होता है। एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू टाइप का होता है, जिसको हम पहला बोलते हैं एफर्मेटिव, या इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। एफर्मेटिव भी कहते हैं या सिंपल कहते हैं, या इसको हम एक स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट। और इसका एक नाम और भी है, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव टू टाइप का होता है, इसको हम एफर्मेटिव या नेगेटिव दो भागों में बांटते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इसकी क्या क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी क्या है? सबसे मेन क्वालिटी यह है कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। मेन क्वालिटी है इसकी, असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। असर्टिव सेंटेंस ऐसा होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट बिगिंस या बिगिंस ऑलवेज सब्जेक्ट एंड एंडिंग ऑफ सेंटेंस कम्स डेफिनेटली फुल स्टॉप मार्क्स। सब्जेक्ट से शुरू होता है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है, यही असर्टिव होता है। दो प्रकार का होता है, एफर्मेटिव या नेगेटिव। सब्जेक्ट से शुरू होगा, नॉट आए चाहे नहीं आए, एंड में फुल स्टॉप आएगा, हमेशा मतलब असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप का होता है। इसका मैं फॉर्मूला लिखूं असर्टिव का, तो असर्टिव का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी। एचवी के अकॉर्डिंग एमवी आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद प्लेस आएगा, प्लेस के बाद फिर प्रीपोजिशन आएगा, और फिर उसके बाद टाइम आएगा, या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के स्थान पर एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस में बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट से शुरू हो और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आए। यदि इसी फॉर्मूले को हम नेगेटिव का करना चाहें, तो नेगेटिव के लिए नॉट यहाँ पे आएगा,
एच वी एम बी के बीच में नॉट आएगा, ये नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू टाइप का होता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद सब्जेक्ट से शुरू होता है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप का होता है, एक तो हम इसका कह देते हैं एच वी से शुरू होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाला। एक होता है एच वी से शुरू होने वाला, एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाला। जो एच वी से शुरू होता है उसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? एच वी से शुरू होने वाले क्वेश्चन को हम यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है उसको डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन कहते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार से शुरू हो लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भैया, कि क्वेश्चन मार्क आता है। सबसे ज़्यादा शॉर्ट पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क आना बहुत ही जरूरी है। यस नो टाइप वाला होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल एक्सिलरी से शुरू होगा, लेकिन उसका आंसर केवल या तो यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। और जो डब्ल्यू एच वर्ड से डब्ल्यू एच वर्ड व्हेन व्हाई वेयर हाउ मच हाउ मेनी हाउ ओल्ड एक्सेट्रा जो वर्ड होते हैं, व्हाट विच हाउ, इस प्रकार के बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, इनसे शुरू होता है। तो इनके लिए भी फॉर्मूला एक ही है एस वी ओ पी टी एम। इसमें क्या होता है एच वी पहले आ जाती है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ये यस नो टाइप का फॉर्मूला लिखा रहा हूँ मैं पहले, कि यस नो टाइप वाला जो होता है वो एच वी से शुरू होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एच वी के अकॉर्डिंग एम बी आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद प्लेस आता है, और फिर प्रीपोजिशन आता है यानी टाइम आता है। इसके स्थान पर टाइम ऑफ एडवर्ब भी आ सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आएगा। लेकिन एंड में क्या आना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं है तो पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यदि हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव का करना चाहते हैं तो यही नॉट यहाँ पे आ जाएगा। यदि इसको हम डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन क्या है, इसी फॉर्मूले में आगे लग जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्री प्लस प्लेस, इस प्रकार से प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक तो इसका जो टाइप होता है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप वाला होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तीसरा होता है जो डब्ल्यू एच वर्ड, ये डब्ल्यू एच वर्ड को भी हम इंट्रोगेटिव कह लें या क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं, इसको इंट्रोगेटिव के नाम पे हम इसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो तीसरा सेंटेंस होता है आपका इम्पेरेटिव। इसमें क्या खासियत है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा और ये हमेशा एच वी से या डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा। एच वी या डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क आता है तो ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एसर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत ही अंत में क्वेश्चन फुल स्टॉप मार्क्स आता है। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, पीछे पीछे फुल स्टॉप मार्क आता है और यह ना तो सब्जेक्ट से शुरू होता है ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ये शुरू हो सकता है कितने प्रकार से, फोर टाइप से शुरू हो सकता है। या तो ये एम बी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, या ये डू नॉट से शुरू हो सकता है, डोंट से शुरू हो सकता है, या ये लेट से शुरू हो सकता है, या प्लीज काइंडली वर्ड आ सकते हैं, प्लीज काइंडली वर्ड आ सकते हैं। या तो ये एम बी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या डू नॉट से शुरू होगा। एम बी की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से शुरू होता है तो उस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा ऑर्डर या कमांड होता है, ऑर्डर या कमांड होता है। लेट वाला होता है जिसमें एडवाइज होती है, सजेशन होता है, प्रपोजल होता है। प्लीज काइंडली से शुरू होता है, प्लीज काइंडली सेंटेंस में आगे आए चाहे पीछे आए एंड में आए, लेकिन उनमें रिक्वेस्ट होती है। क्या होती है, उनमें रिक्वेस्ट होती है। मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ये होता है कि सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप आता है, सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होता है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू नहीं होता है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। इसमें ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस फॉरवर्ड सजेशन होता है। एम बी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होता है, लेट से शुरू होता है, लेट वाले में एडवाइज आता है, सजेशन आता है, प्रपोजल आता है, प्लीज काइंडली से शुरू होता है। इसको हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका हिंदी वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक। इसका मतलब है स्वीकारात्मक,
सिकारात्मक और इसका मतलब है आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत ही अच्छी है कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस में चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, कहीं भी आए, जहाँ भी आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स इंटरजेक्शन वर्ड के बाद आता है मोस्टली, ये इंटरजेक्शन वर्ड के बाद आता है। इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं अलास, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं अलास, उर्रे, हुस, फुस, ए, ओ, उच, बहुत सारे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो एक्सप्रेशन सडन फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड क्या होता है भाई, इंटरजेक्शन अलास, हुर्रहा, हुर्रे, ब्रेवो, हुस, पुस, उच एक्सेट्रा। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वाट से भी शुरू हो सकता है और हाउ से भी शुरू हो सकता है, या तो वाट या हाउ से शुरू हो सकता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के एंडिंग में आएगा और इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होगा तो इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसके बारे में डेफिनेशन में अभी जस्ट बताऊंगा। और इसका ही एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट है ऑपरेटिव सेंटेंस, जो आपका जो आपको केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिखेगा ऑपरेटिव सेंटेंस। ये ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, मोस्टली मे से शुरू होता है, मोस्टली मे से शुरू होता है। सेंटेंस के अंत में या तो फुल स्टॉप आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा, या तो मोस्टली फुल स्टॉप आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। और ऑपरेटिव सेंटेंस में ब्लेस, कर्स, विस, ऑपरेटिव सेंटेंस में ब्लेस, कर्स, विस का भाव छुपा हुआ होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो एक चीज़ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एसर्टिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। एसर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगा और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आएगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आएगा, एसर्टिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेशन मार्क होगा, चाहे वो एच वी से शुरू हो चाहे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो, इंट्रोगेशन मार्क आ गया वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इसको हम क्वेश्चन वाले भी कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है, ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है ना ही सब्जेक्ट आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप आता है, ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है और ना ही उसमें सब्जेक्ट आता है, यानी कि कह सकते हैं हम बिना सब्जेक्ट और बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है। लेकिन इंपेरेटिव में यू जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन सब्जेक्ट होता है, छुपा रहता है, मोस्टली उसमें यू सब्जेक्ट माना जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या तो व्हाट या हाउ से शुरू होगा और सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन आएगा, या इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो सकता है, इंटरजेक्शन वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा। और ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ब्लेस, कर्स, विस, प्रे, ये होते हैं। ब्लेस, कर्स, विस, प्रे का भाव होता है, ये मोस्टली मे से शुरू होता है, या तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। इसके अलावा गुड मॉर्निंग हो गया, थैंक यू हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया, ये भी ऑपरेटिव सेंटेंस में आता है। मैं सोचता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक, कि सब्जेक्ट से शुरू हो, फुल स्टॉप आए, एसर्टिव सेंटेंस होगा, क्वेश्चन मार्क आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और यदि एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होता है, लेट से शुरू होता है, या प्लीज काइंडली वर्ड आ जाते हैं, और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आए, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं आता है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ना तो सब्जेक्ट से शुरू होता है ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, फुल स्टॉप आता है, तो केवल फुल स्टॉप आता है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है और एसर्टिव सेंटेंस में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाता है, ये ऑपरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट है। अच्छा, मैं सोचता हूँ ये समझ में आया। इसके बारे में फॉर्मूले भी बताए मैंने आपको, कि इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यही बनेगा कि सब्जेक्ट और एचवी को हटा देते हैं, तो अगर मैन वर्ब से शुरू कर देंगे तो ये इंपेरेटिव का सेंटेंस का ही फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैं आपको एसर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ। एसर्टिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, वो सबकी डेफिनेशन एक ही बनेगी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए स्टेटमेंट, विच मेक ए स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड
एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा कह सकते हैं हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक, दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक एसर्शन, विच मेक एसर्शन, एसर्शन या डिक्लेरेशन, एसर्शन या डिक्लेरेशन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक एसर्शन या डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये टू टाइप का होता है, इसका एफर्मेटिव और नेगेटिव, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। में दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ओके, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप आ रहा है। दूसरा कह सकते हैं हम आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये दोनों, ये नेगेटिव का हो गया, लेकिन एसर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू है, सेंटेंस के अंदर में फुल स्टॉप आया है। यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आई एम लाफिंग, आई एम नॉट लाफिंग। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का सेंटेंस कहें जो आई वी यू ही सी इट दे से शुरू हो, आई वी यू ही सी इट दे नेम से शुरू होता है, सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप आता है, एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और इसके कई नेम हैं। दूसरा सेंटेंस आ रहा है आपका, दूसरा सेंटेंस आपका आ रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबकी डेफिनेशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बना रहा हूँ मैं। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विच इज यूज फॉर ओनली आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्वेश्चन भी होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज फॉर ओनली आस्किंग क्वेश्चन, ये टू टाइप का होता है। पहला जो होता है यस नो टाइप, यस या नो टाइप क्वेश्चन। इसको यस नो टाइप क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आंसर हमेशा यस में मिलता है, जैसे कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डिड यू ईट फूड यस्टरडे, क्या तुमने कल खाना खाया। तो ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है पीछे पीछे सेंटेंस में, और इनका आंसर एच वी से या कैन यू स्पीक हिंदी, कैन यू स्पीक हिंदी, क्या तुम स्पीक हिंदी बोल सकते हो, तो ये भी इंट्रोगेटिव वाला है। इसमें नॉट भी लगा देते हैं तो भी इंट्रोगेटिव वाला ही होगा, नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाता है वो, फोर टाइप का, जिस इसका फॉर्मूला है मैंने बता दिया था। और दूसरा है डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन। जो डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन होता है दूसरा टाइप का इंट्रोगेटिव का है, तो डब्ल्यू एच वर्ड में वाई आर यू, वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू नॉट मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड नेगेटिव वाला भी होता है। किसी भी प्रकार से व्हेन डू यू रीड, इस प्रकार से हम कितने भी एग्जांपल दे सकते हैं, हाउ आर यू, तो इस प्रकार से हम कितने भी एग्जांपल लिख सकते हैं, हाउ आर यू, तुम यहाँ कैसे हो। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार के एग्जांपल बता दिए हैं मैंने। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो टू टाइप का होता है, यस नो टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इसका आंसर हमेशा यस या नो में मिलता है। और डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद एच वी आती है, एच वी के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद एच वी के अकॉर्डिंग एम बी की फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्लस पी टी एम आता है। थर्ड जो सेंटेंस होता है, थर्ड जो सेंटेंस होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। मैं सोचता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड जो सेंटेंस होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। यस, थर्ड सेंटेंस होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस।
इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वही होता है एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस, विच एक्सप्रेस ऑर्डर कमांड, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस सजेशन, सजेशन सजेशन एडवाइस फॉरवर्ड प्रपोजल, प्रपोजल एडवाइस सजेशन रिक्वेस्ट प्रपोजल आदि एक्सप्रेस होते हैं, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस सजेशन प्रपोजल इत्यादि। और इसमें क्या होता है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा एम बी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या डू नॉट से शुरू होता है और लेट से भी शुरू होता है, लेट से शुरू होता है, उसमें एडवाइस सजेशन प्रपोजल होता है, डू नॉट या एम बी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो उसमें ऑर्डर या कमांड होता है, और जिसमें प्लीज़ काइंडली वर्ड आ जाते हैं, प्लीज़ काइंडली वर्ड आ जाते हैं उनमें रिक्वेस्ट होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे हम, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है, लेकिन सेंटेंस के अंत में क्या आता है, हमेशा फुल स्टॉप आता है। इस प्रकार के सेंटेंसों को हम एग्जांपल कह सकते हैं, जैसे कि डोंट मेक ए नोइज, डोंट मेक ए नोइज आवाज मत करो, ऑर्डर है यहाँ पे, डोंट मेक ए नोइज आवाज मत करो। जैसे कि प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे तुम्हारी पुस्तक दे दो। इस प्रकार से लेट्स गो नाउ, अब हमें जाना चाहिए, लेट्स गो नाउ, इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर में फुल स्टॉप आ रहा है। अच्छा, अब स्टैंड अप, स्टैंड अप, चाहे हम स्टैंड अप कह सकते हैं, चाहे हम सिट डाउन कह दें, तो इनमें हमेशा ऑर्डर होता है। या डोंट लाफ, डोंट प्लग द फ्लावर्स, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे, डू नॉट से शुरू है, प्लीज़ काइंडली से, लेट से, एम बी की फर्स्ट फॉर्म से, एम बी की फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट से शुरू होता है, इसमें ऑर्डर या कमांड होता है हमेशा। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग्स या इमोशंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस। और ये इमोशंस या फीलिंग्स किसके होंगे, लाइक जैसे कि सरप्राइज, सरप्राइज सरप्राइज के होंगे, फियर के होंगे, एंगर के होंगे, जॉय के यानी खुशी के भी होंगे, डिलाइट या जॉय, जॉय के भी हो सकते हैं, डिलाइट या जॉय, हैप्पी शेड या सोरो, सोरो के भी, दुख के भी होते हैं, गुस्से के भी होते हैं, डर के भी होते हैं, जॉय के भी होते हैं, खुशी के भी होते हैं, और शॉक वाले भी होते हैं, शॉक प्रूफ। तो ये एक्सप्रेशन होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस द सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस। ये फीलिंग्स इमोशंस किसके होंगे, सरप्राइज, फियर, एंगर, डिलाइट, सोरो। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ये व्हाट से या हाउ से भी शुरू होता है और सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, और ये इंटरजेक्शन वर्ड से भी शुरू हो सकता है, इंटरजेक्शन वर्ड। ये इंटरजेक्शन वर्ड होते क्या हैं, ये इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं जो सरप्राइज उनमें छुपा रहता है, फियर छुपा रहता है, एंगर छुपा रहता है, जॉय खुशी सोरो छुपा रहता है। इस प्रकार के हम इनके लिए हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको, जैसे हुर्रा भी है बॉन द मैच। अब ये हुर्रा वी हैव बॉन द मैच, जैसे कि एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी का, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो ये हुर्रा इंटरजेक्शन वर्ड है, और इसमें क्या छुपा है भैया, जॉय छुपा है,
क्या छुपा है, जैसे कि मैंने बोला अलास ही इज डेड, अलास ही इज डेड, अलास ही इज डेड, तो इसमें सौरव छुपा हुआ है। इसमें क्या छुपा है, सौरव, जैसे कि हाउ हाउ ए ब्यूटीफुल, हाउ ए ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज, हाउ ए ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज, ठीक है। इस प्रकार से इसमें सब में क्या है भैया, इंट्रोडक्शन वर्ड आ रहा है और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ रहा है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स चाहिए व्हाट से शुरू हो, तो इस प्रकार से इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, तो इसमें क्या होता है, व्हाट ए, व्हाट ए लवली गर्ल, या व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, तो इस प्रकार से जो वर्ड होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगे। और इनमें क्या होगा भैया, व्हाट एन आइडिया, तो ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। और इसमें सरप्राइज, फियर, एंगर, जॉय, डिलाइट, सोरो, शॉक, इनका भाव छुपा हुआ होता है। और नेक्स्ट इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको जो ऑपरेटिव सेंटेंस, लास्ट एंड फाइनल जो बता रहा हूँ मैं आपको सेंटेंस है, फिफ्थ है, वो ऑपरेटिव सेंटेंस है। ऑपरेटिव सेंटेंस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट है। ये हमेशा ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एन ऑपरेटिव सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एन ऑपरेटिव सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस ब्लेस, कर्स, विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, विश, प्रे, ये ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस ब्लेस, कर्स, विश, प्रे को एक्सप्रेस करता है। और ये हमेशा मोस्टली मे से शुरू होता है और सेंटेंस के अंत में या तो एक्सक्लेमेशन आता है या फुल स्टॉप आता है। ये फुल स्टॉप किस में आता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, डायरेक्ट नरेक्ट होता है, डायरेक्ट नरेक्ट के सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो मे से शुरू होता है और उसके सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। ये एक एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट है। और इसमें क्या होता है, इसमें और भी सारे वर्ड होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया, थैंक यू बोल दिया, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। और जैसे कि मे, अब ये यहाँ पे मे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब नहीं है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, अब यहाँ पे कुछ बच्चे इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें ब्लेस वाला भाव नहीं रहेगा। तो मे गॉड ब्लेस यू, अच्छा इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, बहुत सारे वर्ड होते हैं। अच्छा जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया हमने, थैंक्स बोल दिया, थैंक्स कह दिया, तो वो भी इसमें आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया, वो भी एक्स ऑपरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। इस प्रकार से मैं आपको चाहता हूँ कि आपको चैप्टर थोड़ा समझ में आ गया होगा। थैंक यू, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।